अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी के बारे में। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी और इससे पहले डिस्कस किया गया ऑफ बाउ रूल, ये सभी मिल करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको बताता है। ये सभी बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में जा करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हमें आइडिया देते हैं। और इसके लिए कुछ सेट रूल्स हैं जो कि यही तीन हैं, इन्हीं की मदद से हम तय करते हैं कि अगर मुझे मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको कैसे फिल किया जाएगा। मुझे पता है कि आपके क्लासरूम प्रोग्राम जितने भी होंगे आपके स्कूल्स में या फिर आप पहले से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते आए होंगे, इसलिए मैं इसके सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स पर ही आपको फोकस करूंगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप बना सकें। बाकी डिटेल प्रैक्टिस आप खुद भी करते रहे होंगे इसलिए मैं इसके हर एक स्टेप को नहीं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां हम थोड़ा फास्ट रहेंगे और उसी पॉइंट पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे गलतियां होने की गुंजाइश होती है। एक बार देखें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था। इसने कहा था कि किसी कभी भी किसी एटम के भीतर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब यह था कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमें एड्रेस अगर हमें डिफाइन करना है, किसी एटम के भीतर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, तो हम सीधे तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये लोकेशन को बताने का एक तरीका है, मान लीजिए ये है, ठीक है, यहां पर देखिए ये एक तरीका है। अगर मान लीजिए मुझे ये एक एड्रेस दिया गया है, इसके माध्यम से मुझे जाना हो तो मैं कह सकता हूं ना कि मुझे थर्ड शेल के जीरो मींस क्या, एस सब शेल के, इस तरीके से मैं चलता जाऊंगा ना, थर्ड शेल के एस सब शेल के एस ऑर्बिटल के प्लस हाफ साइन शो करने वाले यानी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया देना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3s1 कह सकते हैं। आप देखें ना, 3 है ये s के बारे में बता रहा है, जीरो वैल्यू s को बताता है और s में एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल और उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लीजिए इसकी बात करते हूँ मैं, 4, 3, -2, -1/2 है ना, तो ये है 4 और यहाँ पर 3 का मतलब क्या होता है आप देखें तो 4 में 4 के बाद ये 3, 3 मीन्स क्या होता है 0, 1, 2, 3 है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर S होता है, ये P होता है, ये D होता है और ये F होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये 4F की बात कर रहा है, 4F की बात कर रहा है, 4F में फिर और डीप में हम जाएंगे, फिर हम उसके ऑर्बिटल्स में जाएंगे और उसके बाद हम हाफ साइन वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेंगे। हम इस तरीके का एग्जांपल से बचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एड्रेस ले लिया, ये मान लीजिए इस एड्रेस की बात करते हैं वरना वो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है 4, ये हो गया पी, 1 वैल्यू है ना, पी का भी वो 0 वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना आप जानते हैं, ये होता है PX, ये होता है PZ, याद रखिएगा ये PZ होता है, PY बच्चे कहते हैं, PY नहीं होता है, PZ होता है और ये होता है PY, PX, PZ, PY। तो ये है आपका P है और ये उस P सबशेल के, ये P सबशेल के बारे में आइडिया दे रहा है, P सबशेल के ये PZ ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, PZ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहां पर हम, यहां तक हम ये कह सकते हैं 4PZ। अब इसके बाद PZ ऑर्बिटल तक की बात कर रहा है, अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब वो सारी चीजें आगे की बातें होंगी। यहां तक हम ये समझ पा रहे हैं PZ ऑर्बिटल के उस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, उस ऑर्बिटल की बात कर रहा है जिसमें ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग शो करने वाला, एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो क्या होता है एक प्लस हाफ होता है जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे घूमेगा ना, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यानी ये माइनस हाफ वाला है, तो उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस तक हम पहुंच जाते हैं। तो यही बात पॉलीज ने कहा था, पॉलीज ने कहा था किसी एटम के भीतर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसे
आपको अपने घर में जाना हो, इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का अपना एक एड्रेस होता है। मान लीजिए आपका घर है तो आपका अपना एक यूनिक एड्रेस है, आपका शहर, आपका मोहल्ला, आप जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, उसके बाद आपका मकान नंबर और उसके भीतर आपका कमरा, इस तरीके से होता है। आप जिस कमरे में रहते हैं वहां तक जाने का जो एड्रेस होता है एकदम यूनिक होता है, कभी भी दो लोगों का इस तरीके से एड्रेस नहीं हो सकता है। वही बात यहां पर कहा था कि और यही बात यहां पर होता है कि जो एटम्स के लिए जो सबसे छोटी जो फाइनल जो जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं मैक्सिमम, ये बात आप जानते हैं। किसी भी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये पॉली ने ये कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यूनिक होता है, इस वजह से हर एक एटम के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स का सेट जो होता है एकदम अलग अलग होता है हर एक के लिए, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी अलग होती है। इवन अगर मान लीजिए आप पीजेड तक ही पहुंच गए थे, यहीं पर देखिए मैंने इस एग्जांपल में लिया था ना, यहां पर आप प्लीज लेके चलिए 4, फिर उसका पीजेड तक मैं पहुंचा था, उसके बाद भी मुझे पता था पीजेड ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो माइनस हाफ वाला या तो प्लस हाफ वाला। तो यहां तक देखें, अगर मैं यहीं पर मैं कह रहा हूं कि पी यहां तक, अगर मान लीजिए प्लस हाफ वाले का एड्रेस अगर यहां तक बराबर होगा, आप बात समझें, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं कि अगर मैं प्लस हाफ वाले के लिए कहता तो प्लस हाफ, मैं यहां माइनस हाफ वाले का एड्रेस दिया हुआ, यहां माइनस हाफ वाले का एड्रेस दिया, अगर प्लस हाफ वाले के एड्रेस की बात की जाती तो ये तीनों बातें उसके लिए भी एड्रेस में बराबर होती, लेकिन अंतिम बात बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग होता है, इवन इसी के बगल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस एकदम अलग होगा, क्योंकि ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक आइडेंटिटी के लिए एक एड्रेस दी गई है, और उस एड्रेस को इसी सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो यही बात कही गई थी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, तीन तक बराबर हो सकते हैं, चौथा सबका बदल जाता है। अगर बहुत करीब में अगर ज्यादा सिमिलरिटी हो तो तीन तक हो सकती, चौथा बदल ही बदल जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे इस इंडिया में आप जानते हैं हर एक पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया है, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड में एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया है। वैसे ही यहां पर बात है कि हर इलेक्ट्रॉन का यूनिक एड्रेस है, यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन का एक जैसा चारों क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि यहां तक कि अगर तीन तक बराबर अगर हो गए एड्रेस तो चौथा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल दो इलेक्ट्रॉन्स ही किसी सेम ऑर्बिटल में ऑर्बिट में रह सकते हैं, और उनकी स्पिनिंग अपोजिट होती है। एनसीईआरटी का ही लाइन मैंने उठाया है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर ऑर्बिटल्स तक एड्रेस बराबर है तो स्पिनिंग बदल जाने से दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर बदल जाती है, तीन तक बराबर गया तो चौथा बदल जाएगा। ये बात था हुंड्स रूल्स ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी, इसको आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी हम बात बताते हैं यहां पर, ये बात हम करते हैं, ठीक है। हुंड्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ही बेसिस पर एक फार्मूला देखते हैं। ये शायद 2007 में नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन ये था कि एक एड्रेस आपको दिया गया है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू प्लस 2, और ये बोल रहे हैं इस एड्रेस की के आधार पर कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो आप जानते हैं ना, ये बता रहा है शेल के बारे में, है ना, और ये कितने, ये किसके बारे में बता रहा है, सब शेल के बारे में, और ये किसके बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल के बारे में, जानते हैं ना आप, ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो आप जानते हैं कि ये 3 और ये किसके बारे में बता रहा है, 0, 1, 2, यानी डी की बात बता रहे हैं, 3D में, 3D की बात कर रहे हैं, 3D सबशेल की बात कर रहे हैं, जिसमें ये 5, आप जानते हैं ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें भी आप स्टार्ट करते हैं कैसे, -2, -1, 0, +1, +2, है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो अंतिम वाला जो ऑर्बिटल होता है, ये जो ऑर्बिटल है इसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, अंतिम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये अंतिम ऑर्बिटल के एड्रेस तक बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहां इस आधार पे आप कितने ऑर्बिटल्स का अनुमान लगा सकते हैं, केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जिसका एड्रेस इतना होगा,
और अगर आगे पूछते कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव दिस टाइप ऑफ एड्रेस, तो आप बता, जैसे मान लीजिए यहाँ ऑर्बिटल्स के बारे में बोला गया, तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये यहाँ तक केवल एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा इस एड्रेस तक, है ना? सवाल में बता, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे? सिंगल ऑर्बिटल. अगर मैं पूछूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इतने एड्रेस तक, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, बोलिए जोर से, दो होंगे. कितने होंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें आगे हमें इसका कोड और बदलना पड़ेगा ना, जिसमें स्पिनिंग क्वांटम नंबर एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा. बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से इतने एड्रेस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आगे फर्दर हम समझ सकते हैं दो होंगे, जिनमें एक का प्लस होगा एक का माइनस हाफ होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बोला तो. इसी सवाल को और कम कर दे, यहां तक ही केवल बोले, यहां तक ही एड्रेस बोले, बोले कि ये एड्रेस दिया हुआ है और हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर दिस एड्रेस. अब ये ऑर्बिटल तक नहीं गए, केवल सबशेल तक गए हैं, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो आप जानते हैं ना ये डी ऑर्बिटल के बारे में बोल रहे हैं, 3D. यहीं से आप देख लें डी सबशेल की बात कर रहे हैं. डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बताइए? 5. तो 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होता, लेकिन 5 ऑर्बिटल्स होता सिर्फ अगर इतना एड्रेस होता. इलेक्ट्रॉन्स बोलते तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इतने एड्रेस पर अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता तो 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते पॉसिबल? 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते. तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है. बात समझ पा रहे हैं आप? अब ये हुंस रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी, इसके मुताबिक ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो कोशिश करिए किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले सिमिलर स्पिनिंग के साथ आप भरते हुए जाइए. आप जानते हो वो स्टेटमेंट मैं पूरा बताऊंगा नहीं, हम आपका समय नहीं लेंगे. यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे. आप जानते भी हैं हुंस रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी में कहा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन भरना है तो यही पेयरिंग मत करिए, अगले में एक और अनपेयर्ड भरिए, और इलेक्ट्रॉन डालना है तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करिए, सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करिए, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करिए, यही बात इन्होंने कहा था. चलिए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो बात हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं. तो एक 1994 में उस समय AIPMT में सवाल पूछा गया था कि इसमें हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का किस, ये जैसे चार एड्रेस दिए गए हैं, आप देखें यहां पर चार इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस दिया गया है. एक इलेक्ट्रॉन है ये 3P के बारे में, 0, 1, 2, 3D के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. ये किसके बारे में बोल रहे हैं? 4D के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये 4P के बारे में बोल रहे हैं, है ना. और ये 5S के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. यहीं से केवल आपको पता चल गया, इतने से ही, क्योंकि ये शेल के बारे में बता देता है, ये सबशेल के बारे में बता देता है, बस इतने इंफॉर्मेशन. आगे जाएंगे तो इस सबशेल के किस ऑर्बिटल में जाना है वो आगे का इंफॉर्मेशन है. ये यहां पे बोल रहे हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी. तो आप सीधे तौर पर यहीं पर देखें किसकी, किस इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी होगी. आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को तय करने के लिए सिर्फ यहीं तक की वैल्यू की जरूरत होती है, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी आप तय कर लेते हैं N+L रूल की मदद से. किसकी मदद से? N+L रूल की मदद से. चारों बातें पता ना हो तो भी काम चल जाता है. N+L रूल के मुताबिक इसका सम कितना आएगा बताइए? 5 आएगा. इसका सम कितना आएगा बताइए ना? 5 आएगा, है ना. आप बहू तो यही कह के गए थे ना. और यहां पर देखें आप 4+2 N+L के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6. ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें N, L, M और S की वैल्यू दी गई थी. 3, 2, 1 प्लस हाफ, 4, 2 माइनस 1 हाफ, ये 4, 1, 0 माइनस हाफ, ये इस तरीके से 5, 0, 0 माइनस हाफ. मेरे कहने का मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अब सवाल बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता है. आप यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी N+L रूल से तय होता है, ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे कोई मतलब ही नहीं है. आप यहीं पर फिर सम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 5. तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइएस्ट किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, आप बताएं. यहां पर हाईएस्ट एनर्जी होगी आप देखिए 6 वाले की, यानी सेकेंड ऑप्शन. अगर मैं इसी क्वेश्चन में और आगे पूछूं इसके बाद किसकी हाईएस्ट होगी, तो चूंकि इसके बाद बाकी सबके तो 5-5 वैल्यूज आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पे 5-5-5, तो इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? तो इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी होगी जिसका एन कम होगा इन तीनों में, यही तो कहा था उसने. इसके बाद अगर मैं कहूं बी ऑप्शन की हाईएस्ट एनर्जी है यहां पर 4+2 6 है, बाकी सबके सम का वैल्यू 5 है, तो इसके बाद हाईएस्ट किसके आधार पर देखेंगे?
जिसकी एन ज्यादा होगी, मैंने आपको बताया भी है, तो इसका बी के बाद होगा इसके बाद जिसका ये हाईएस्ट एनर्जी बोला ना, तो सिक्स, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, ये तो लोवेस्ट में जाएगा, इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी होगी जिसका एन ज्यादा होगा, फाइव है ना, फाइव यानी फाइव मतलब डी का ऑप्शन है ना, उससे इसके बाद किसकी एनर्जी होगी, मतलब फाइव से कम किसकी होगी, सी की, क्योंकि इसकी एन फोर है, आप देखें ना जब सबकी वैल्यू फाइव फाइव आ रही है तो जिसका एन ज्यादा होता है उसकी एनर्जी हम ज्यादा मानते हैं, तो यहाँ फाइव फिर उसके बाद फोर यानी हमारा सी ऑप्शन, फिर उसके बाद ए ऑप्शन होता है ये थ्री, तो इस तरीके से हम आंसर बना सकते हैं। फिर यहां पर एक सवाल बोला गया है कि कौन से सेट या कौन सा एड्रेस आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको देख करके आप बताइए इसमें कौन कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं थर्ड शेल में एस सब शेल पॉसिबल है ना, यहीं से हम कह सकते हैं, और एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, और उसकी प्लस हाफ स्पिनिंग हो सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सेकेंड शेल में, सेकेंड शेल में आपको पता है दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, टू में दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यहां दिया हुआ है टू, जबकि ये वैल्यू हो ही नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि टू में एल की वैल्यू जीरो या वन हो सकती है, तो चूंकि यहां पर सेकेंड के बाद फिर एल की वैल्यू भी टू बोल दिया तो ये बात गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहां दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो या तो वन, जानते हैं ना आप जीरो से स्टार्ट होते हुए। ऐसे ही यहां पर देखें तो ये है फोर, फोर के बाद यहां पर जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो पॉसिबल हो सकती है जीरो वन टू थ्री, है ना, थ्री वैल्यू दी गई है पॉसिबल है, थ्री के बाद हमने आपको बताया थ्री में क्या होता है माइनस थ्री से स्टार्ट करते उधर तक जाते, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं फर्स्ट में ये जीरो, ठीक है, वन के लिए ये जीरो होगा और ये भी फिर जीरो होगा, ये एस सब शेल में माइनस वन का कोई मामला ही नहीं बनता, ये भी पॉसिबल नहीं है, पता है ना आपको, तो ये आगे का एड्रेस पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ये थ्री, ठीक है, ये पॉसिबल है, यहां पर जीरो वन टू हो सकता है, टू दिया है, ठीक है, पॉसिबल है, इसके बाद आगे थ्री दे दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये तीन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दो वैल्यू पॉसिबल हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने किस तरीके से देखा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू हो सकती है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कोई दे दी गई हो तो उससे अजीमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स को रखना सीखने का मौका मिला, किस में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, वो सारी चीजें आपने सीखा, तो जो पहले हमने डिस्कस किया है उसी का एप्लीकेशन हम लोगों को यहां पर करना था, कुछ भी नहीं है आपने क्लास में इस लेक्चर के जो हमने अभी इस समय आपके सामने दिया उसके प्रैक्टिस आपने क्लास में पहले भी किया होगा, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इस तरीके से हमने पूरी इस पूरे चैप्टर को हमने खत्म किया, लास्ट सेक्शन में हम एक दो क्वेश्चन और आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और जितनी प्रैक्टिस होगी उसकी मदद से आपको आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। लेकिन उम्मीद ये करिए कि एनसीईआरटी करिए, कुछ ऑब्जेक्टिव करिए, फिर आप फिजिक्स पर भी आप इक्वली टाइम दीजिए, बायो को बहुत स्ट्रांग बनाए रखिए वो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स पर इक्वल बैलेंस होना चाहिए, हर बात क्लियर होनी चाहिए। अंतिम लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।